Epic Games versus Apple हो चुका है finally खत्म. Switch Pro 2 could be announced in 2 weeks. WhatsApp लेके जा रहा है Indian government को court में. AirPods Pro 2 शायद से already बनने चालू हो गए हैं. With the two tech dudes और ये है इस हफ्ते की tech news. Welcome back to Weekly Tech News, guys. इस हफ्ते हमारे पास थोड़ी news है on E3 जो currently आने वाला है सब. News of the Indian government, जो new rules आ रहे हैं and lots more. Start करते हैं with Apple versus Epic जो चल रहा है. I think last August से finally उसका कुछ तो verdict निकलने वाला है. And जो antitrust के experts हैं उनका verdict ये है कि it's a split decision. तो ना SIT 3 है ना वो SIT 3 है. But Apple के पास थोड़ा edge है यहाँ पे because it has not been deemed a monopoly जो American laws के हिसाब से. तो या यहाँ पे उनका App Store की monopoly नहीं हटने वाली. बट एट दी एंड सिंस इट्स अ स्प्लिट डिसीजन हो सकता है कि जो एप्पल के थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस करंटली है वो चेंज हो जाए. बट मोस्ट ऑफ दीज विल प्रोबब्ली बी अराउंड दिस अगेन इज पेंडिंग ऑन द जज की जज क्या डिसाइड करता है. बट दिस विल बी अराउंड उनका एक 30% कमीशन जो चार्ज करते हैं ऑन द ऐप स्टोर एंड जो उनका पेमेंट सिस्टम है पूरा. तो ऑल ऑफ दिस पर चेंज बट ऐप स्टोर के मोनोपोली लगता नहीं कहीं जाने वाली जल्दी. Nintendo Switch Pro या Nintendo Switch 2 होने वाला है रिलीज इन सितंबर या अक्टूबर, मोस्टली इन टाइम फॉर द हॉलीडे सीजन अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम ब्लूमबर्ग. तो सोर्सेस कह रहे हैं कि जून में जो E3 होने वाला है वहाँ पे Nintendo Direct पे शायद इसको अनवील करें एंड जुलाई से इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करें. जितने अभी तक रिपोर्ट्स है उसमें कहा गया है कि NVIDIA की DLSS टेक्नोलॉजी के साथ ये आने वाला है. मतलब 4K आउटपुट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं. तो होपफुली अच्छा होगा एंड कांट वेट फॉर अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड Nintendo Switch. तो Apple अपेरेंटली काम कर रहे हैं एक न्यू सेट ऑफ ट्रूली वायरलेस बड्स पे. बट ये बड्स आने वाले हैं विद द बीट्स ब्रांडिंग. तो उनका नाम हो सकता है द बीट्स स्टूडियो बड्स एंड कुड लॉन्च एज सून एज जून. तो ये बड्स के साथ एक बहुत डीप इंटीग्रेशन हो गई है विद द एप्पल इकोसिस्टम एंड एक एप्पल चिप होगा इनबिल्ट इनटू इट लाइक जैसे एयरपॉड्स में होता है. एंड विल आल्सो हैव द हे सीरी ट्रिगर टू ऑपरेट सीरी वायरलेसली ताकि आप जो भी फंक्शंस करने आप उससे कर सकते हो लाइक हे सीरी कॉल समवन तो फिर वो डायरेक्टली आपके बड्स कर देंगे इंट्रैक्शन. एंड ये दे माइट फीचर ANC बट अब तक कन्फर्म नहीं है. एंड इनफैक्ट इनमें एक चीज बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द रेगुलर एयरपॉड्स की स्टेम डिजाइन नहीं है इनका बट मोटो बस जैसे अपने गैलेक्सी बस या बाकी सारे जो सर्किल बस होते हैं उनकी तरह ये. तो या बट कम एज सून एज इन जून एंड अच्छा लगे. सो वायरलेस बड्स की ही बात करते हुए एयरपॉड्स 3 की काफ़ी न्यूज़ हम बता चुके हैं इन रीसेंट वीक्स एंड वी आर सरप्राइज कि अभी तक वो लॉन्च हुए नहीं है बट दे आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च सम टाइम इन 2021 की. बट अभी कुछ रूमर्स आ रहे हैं अबाउट द एयरपॉड्स प्रो 2. पता नहीं क्या नाम रखेंगे उसका बट हाँ काफ़ी सारे इनसाइडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि एयरपॉड्स प्रो 2 या जो भी मॉडल होगा अगला इट विल कम विद अ लॉट ऑफ फिटनेस ट्रैकिंग पर्क्स. काफ़ी फिटनेस बेस्ड फीचर्स उसमें ऐड होने वाले हैं एंड डिज़ाइन वाइज भी वो थोड़े से दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स जैसे अभी बीट्स का ये था विदाउट द स्टेम बीट्स का डिज़ाइन वैसे ही वो भी स्टेम एलिमिनेट करने वाले हैं जैसे आपको अभी दिख रहे हैं मेरे कान पे एयरपॉड्स प्रो इसके जो स्टेम है ये नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वर्जन. सो एप्पल इज ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द सैमसंग राउट जो प्रॉपर इन ईयरबड्स होंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. तो ये न्यूज़ है अबाउट समथिंग वेरी बिग हैपनिंग इन इंडिया रिसेंटली. तो गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले एक सेट ऑफ रूल्स निकाले थे जो सोशल मीडिया कंपनीज एंड वेबसाइट्स को फॉलो करने थे एंड दीज रूल्स वर बेस्ड ऑन प्राइवेसी एंड 3 महीने खत्म हो गए. ये रूल्स की डेडलाइंस आ गई और किसी ने भी मीट नहीं किए. सब लोग एक्चुअली काफ़ी अगेंस्ट हैं इन रूल्स के एंड ये रूल्स वर अगेन अराउंड प्राइवेसी और गवर्नमेंट बोलती है इनको कि वन दे शुड हेल्प ऑल अथॉरिटीज़ ने जो भी फ्लैग किया अगर कोई पोस्ट इन अप्रोप्रिएट तो फिर द सोशल मीडिया वेबसाइट्स विल हैव टू टेक देम डाउन नो मैटर व्हाट. एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है न्यूज़ तो फिर उसके ऊपर दे हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ ओरिजिनली किसने पोस्ट की थी ताकि द गवर्नमेंट कैन ट्रैक देम डाउन अगेन. एंड कोई भी अगर सेंसिटिव टॉपिक्स के अबाउट लाइक के बारे में ट्वीट करता है लाइक अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हो जाए या फिर वेरी अदर सेंसिटिव टॉपिक्स तो फिर उनके ऊपर भी ट्रैक रखना पड़ेगा. और भी बहुत सारे कंप्लायंसेज है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज को कोई ग्रीवेंस ऑफिसर कंप्लायंस ऑफिसर ये सब रखना है. बट हाँ दिस ऑल सीम्स वेरी आई डोंट नो फ्रैंकली मेरे को ऐसा बहुत लग रहा है कि काफ़ी फ्रीडम स्पीच को टैकल कर रही है बिकॉज ऑनेस्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर अ प्लेटफॉर्म फॉर स्पीच एंड जहाँ पे लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड टू मॉनिटर दैट कंटिन्यूसली इज नॉट
वेरी गुड, बिकॉज मेरे को लगता है कि इस दिन काफ़ी चीज़ें और कैंसिल हो जाती है, बहुत सारा अंदर का मैटर है. बट या अभी तक खाली कू ऐप है जिसने ये सारी फॉलो की है, एंड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम किसी ने और कुछ नहीं किया है. तो कंटिन्यूइंग ऑन दिस टॉपिक, व्हाट्सएप ने डिसाइड किया कि वो इंडियन गवर्नमेंट को घसीट के कोर्ट लेके जाएंगे, क्योंकि दे आर लाइक कि ये जो नए लॉज है दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इट इज इलीगल एंड अगेंस्ट द प्राइवेसी ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की राइट्स ये लेके जा रहे एक तरीके से. सो व्हाट्सएप हैज डिसाइडेड कि चलो भैया केस करते हैं इन पे, ये सही नहीं है. तो मतलब गवर्नमेंट इज डिमांडिंग कि व्हाट्सएप ट्रेसेबिलिटी ऑन कर दे, एज एन जो मैसेज कोई जो घूम रहा है उसका ओरिजिन पता करे और गवर्नमेंट को बताए. लेकिन ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो होता है व्हाट्सएप के मैसेजेस में वो हटा दिया जाए. एंड इससे क्या होगा कि लोगों के मैसेजेस कंपनीज को दिखने लग जाएंगे, विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी वेरी बैड थिंग, और बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों के लिए ये यूज़ भी हो जाएगा अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा दिया तो. एंड नॉट जस्ट फॉर व्हाट्सएप, सारे दूसरे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनकी भी इससे वाट लग सकती है. तो इसीलिए आई थिंक व्हाट्सएप इज़ डूइंग मच मोर फॉर पीपल देन गवर्नमेंट राइट ना. वाओ. तो लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अक्वायर कर दिया फेलो गेमिंग जायंट बेथेस्डा को for $7.5 billion, and अभी तक उन लोगों ने फ्यूचर प्लान्स इतने रिवील नहीं किए थे, but they're now hosting a co-conference on E3 जो आने वाला है June 12th to 15th को, and एक 90-minute conference होगी about the future of gaming and दोनों साथ में कैसे काम करने वाले हैं. तो we'll probably hear more about जो Bethesda के new games announced already हो चुके हैं, Ghostwire Tokyo, Deathloop, Starfield and बहुत सारी और, and probably even Microsoft की games जो आएंगी, I think Halo, Fable, कौन सी बनाते हैं फोर्जा एंड जो भी और बाकी गेम्स आने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट की. बट ऑल्सो आई थिंक काफ़ी पता चलेगा द फ्यूचर ऑफ हाउ दे गोना वर्क टुगेदर ऑन एक्सबॉक्स के एक्सक्लूसिव्स के आएंगे, एंड स्पेशली इससे हमको ये पता चलेगा कि PS5 पे कौन सी गेम्स आने वाली है. अगर लोगों को याद रहेगा तो Ghostwire Tokyo एंड Deathloop का प्रॉमिस भी अगर PS5 तो आने वाली है, बट बाकी का कोई आइडिया नहीं है. स्पेशली Elder Scrolls 6 अगर नहीं आई ना PS5 पे तो फिर भाई प्लीज वो निकाल दो. ओके, सो अभी आते हैं ऑन द न्यू मैक मिनी जो आने वाला है. सो दैट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू हैव द न्यू M1X चिप, लेकिन वो तो अंदर की बात है. ऊपर से जो कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं उसमें वो थोड़ा सा शॉर्टर है, थोड़ा पतला भी लग रहा है, एंड इट हैज़ अ ग्लास टॉप. सो पीछे का जो पोर्ट सिलेक्शन है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है कंपेयर टू अभी का जो मैक मिनी है. एंड जो नया iMac अभी आया है 24-inch वाला, उसमें जो मैग्नेटिक पावर कनेक्टर है वैसा ही इसमें भी होने वाला है प्रॉब्ली. सो लेट्स सी कैसे आता है. लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो होने वाली है M1X चिप, जो कि M1 का अगला वर्जन होगा, एंड उसमें 12-core CPU एंड 16-core GPU की बात चल रही है अभी. What? तो पता नहीं, इट इज गोइंग टू बी इनसेन, बट पता नहीं एक एट अ सिंगल गिवन पॉइंट कितने कोर्स एक्टिव रहते हैं. ग्रेट थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू. तो सोनी के न्यू WF-1000XM4 जो उनके ट्रोली वायरलेस ईयरबड्स आने वाले वापस लीक हो चुके हैं, एंड दिस टाइम बिकॉज ऑफ वीडियो जो यूट्यूब पे चली गई थी, एंड जो सोनी की ऑफिशियल वीडियो थी जो यूट्यूब पे चली गई थी, एंड वो उन्होंने निकलवा दी जहाँ पे भी चैनल पर गई थी. बट अनफॉर्चुनेटली बस सोनी वो रेडिट पे आ गई, एंड रेडिट से कभी कोई चीज़ रखती नहीं है. तो बेसिकली द वीडियो डिटेल्स ऑन इसके न्यू ड्राइवर्स कैसे हैं एंड हाउ दे आर गोना इंप्रूव साउंड क्वालिटी, एंड ऑल्सो इसमें लग रहा है कि एक वाटरप्रूफ सर्टिफिकेशन होने वाली है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वायरलेस ईयरबड्स, एंड दे विल ऑल्सो सपोर्ट 360 ऑडियो एंड हाई रेज ऑडियो फॉर ऑल पीपल हु वांट सम इमेंस ऑसम साउंड क्वालिटी आई गेस, एंड गुड कॉस्ट अराउंड 280 euros, एंड शायद हमको लाइक इमीडिएटली इन द थर्ड क्वार्टर दिखने वाला है ये बीइंग रिलीज्ड. लास्ट न्यूज ऑफ द डे, इट अपीयर्स कि ट्विटर ने अनइंटेंशनली अपना जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है वो लीक कर दिया है. एज इन मतलब एप्पल के ऐप स्टोर लिस्टिंग्स में समथिंग कॉल्ड ट्विटर ब्लू केम अप, एंड इट स्टेट्स कि ट्विटर का एक $3 per month का सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस होगा ये, और उसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे जैसे अनडू ट्वीट जो लोग कभी से मांग रहे हैं,
एंड समथिंग लाइक रीडिंग मोड, जो लॉन्ग ट्विटर थ्रेड्स पढ़ने में आपको आई डोंट नो पता नहीं कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ईजी शायद दिख जाए आपको. बट हाँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है इसमें, जैसे कुछ ऐप आइकन चेंजेस वगैरह वगैरह, कुछ मे बी आपके लिए स्पेसिफिक लॉयल्टी इमोजीज, या यू नो लाइक यूट्यूब प्रीमियम पे जैसे चीज़ें होती है वगैरह, ऐसा हो सकता है. एंड एक और चीज़ है ट्विटर के बारे में, वो है ये कि जो उन्होंने, हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि ट्विटर ऑन रिक्वेस्ट वेरिफिकेशंस उन्होंने वापस चालू कर दिया, वो एक हफ्ते बाद उन्होंने वापस पॉज कर दिया क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट आ गए हैं उनको, एंड दे हैव डिसाइडेड कि चलो मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, पहले जो आए हैं रिक्वेस्ट उनको चेक करते हैं. बट दे हैव प्रॉमिस टू कम बैक विद दिस, एंड राधा देव पिंकी प्रॉमिस या ऐसे कुछ लिखा था उन्होंने ट्वीट में, सो दे विल रिज्यूम इट अगेन. ओके, सो या ये थी इस हफ्ते की न्यूज. तो यार ये थी इस हफ्ते की टेक न्यूज. हम लोग आएंगे अगले हफ्ते की टेक न्यूज के साथ. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब मत करना भूलना चैनल को, एंड बेल आइकन दबा दो. अगर आपको कुछ भी लिखना है, बात करनी है हमसे अबाउट एनी थिंग टेक, तो नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट टू अस थ्रू टेक टूल्स ट्विटर, एंड और क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे पर्सनल चैनल होंगे नीचे, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. ये गेमिंग करता है, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ. इसी के साथ हम लोग निकलते हैं, तो पीस.